तो मेरे बच्चों, आज इनफ्लोरेसेंस का जिक्र करने वाला हूं मैं आपसे। द इनफ्लोरेसेंस, देखो बच्चों, जब शूट के टिप पर, स्टेम के टिप पर, स्टेम का टिप बदल जाए, एक फूल आ जाए वहां पे, तो वो अकेला ही रहेगा। यानी स्टेम, यानी शूट का टिप मॉडिफाई होके फूल बनाता है। व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म into a flower, it is always solitary, मतलब अकेला, alone। और इन फूलों का अरेंज होना, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। किस तरह से वो अरेंज है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स, एपेक्स मतलब अगला किनारा, गेट्स कन्वर्टेड into a flower or या तो वहां पे फूल आ जाए या continue to grow। stem या फिर आगे बढ़ता रहे। इस आधार पे two type of inflorescence है, टू टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस पूरा फूल का गुच्छा ही हो गया। वो कौन कौन सा टू टाइप है? पहला रेसिमोस, दूसरा साइमोस। दो तरह का पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस जो है। रेसिमोस, आर ए सी ई एम ओ एल सी। दूसरा साइमोस, क्या अंतर है दोनों में? देखो बच्चों, ये एक स्टेम है, ये अगला वाला हिस्सा ग्रोइंग टिप है। ये मेन एक्सिस लगातार बढ़ता रहता है। अगर फूल को निकलना है तो यहां निकलेंगे, नीचे से भी शुरू हो सकते हैं, ऊपर से भी, लेकिन मेन ऊपर नहीं पहुंचेगा। द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू फॉर्म, द फ्लावर आर बोर्न लिटरली एक्रोपेटल सक्सेशन में। सबसे पुराना सबसे नीचे होगा, सबसे नवा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा।
लेकिन दूसरे केस में देखिए क्या होगा, ग्रोइंग पॉइंट पे ही फूल आ गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर साइड से निकलेगा और फिर यहां आएगा, फिर क्या होगा, फिर इसके साइड से निकलेगा और यहां आएगा, यहां आएगा, फिर इधर साइड से निकलेगा और फूल यहां आएगा या यहां आएगा। तो आप इन दोनों को देख के साफ आपको अंदाजा लग रहा है कि पहले वाले में द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। अगर हम दूसरे वाले की बात करें, रेसिमोस तो हो गया, साइमोस की बात करेंगे, इसमें जो मेन एक्सिस है टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर एंड हैंस लिमिटेड ग्रोथ। और ये जो फूल है बेसी पीटल में, यानी बाद वाला फूल जैसे पहला यहां था तो दूसरा इसके बेस में निकलेगा, बेसी पीटल। इस वाले में क्या था, अगर यहां है तो दूसरा यहां है, यहां है, इसके ऊपर निकलेगा एक्रोपेटल। द फ्लावर इज ग्रोन इन बेसी पीटल ऑर्डर। ये दो तरह का इनफ्लोरेसेंस था। अब हम फूल की बात करेंगे।